अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ चैनल में आज हमें अपनी चैप्टर 3 इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसी की एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसमें उसने कहा कि यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ दिस 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 एंड दिस। उसने कहा इन फोर पार्ट्स की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, लेकिन यूज़ करना है डिफरेंशियल। ये जो डिफरेंशियल उसने हमें कह दिया ना, उसने हमें बाउंड कर दिया कि आप डिफरेंशियल के अलावा इसे नहीं हल कर सकते, आपको डिफरेंशियल की हेल्प ही लेनी होगी। अब डिफरेंशियल से हम इसको कैसे करते हैं, आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो थोड़ा सा कह लें कि चेंज भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, वरना बाकी एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो फिर हम लिखते हैं जी, पहला सवाल इसका क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। उसने दिया 17 और इसकी फोर्थ रूट, ये उसने हमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले ना लेट कर लेंगे इसको। इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें एक ये है कि लेट कर लेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स है एक्स फोर्थ रूट के बराबर। आप इसका ना डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स पावर 1/4 साथ मल्टीप्लाई कर दें। पावर में से 1 जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 3/4 आपको मिलेगा। आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डैश 1/4 और एक्स रेज टू पावर 3/4, आप इसे ये लिख सकते हैं। आप लिखेंगे एज दी नियरेस्ट फोर्थ वैल्यू, एज दी नियरेस्ट फोर्थ रूट ऑफ 17 इज 16। 17 के करीब करीब जो फोर्थ रूट है ना वो 16 है, यानी 2 रेज टू पावर 4, ठीक है ना। 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 2 रेज टू पावर या 3 रेज टू पावर कुछ भी 17 नहीं होता। तो करीब करीब 2 की पावर 4 ऐसी है जो 16 होती है, तो इसलिए हमारा जो x होगा ना वो 16 होगा और जो हमारा dx होगा वो 17 - 16 = 1 होगा। या लाइन लगा लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप जो फार्मूला है। फार्मूला हमारे इस क्वेश्चन में जो इस्तेमाल होता है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और डी एक्स। ये है जी हमारा फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है और ये डिफरेंशियल इस्तेमाल होता है इस फार्मूले के ज़रिए। अब इसी में हमने एफ ऑफ एक्स लगाना था, इसमें ही हमने एफ डैश एक्स लगाना था, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स डैश लिखा था और हमें एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू भी मालूम की थी। अब आप पहले तो ना एफ ऑफ एक्स लिखिए, वो है फोर्थ रूट और ये अप्रॉक्सीमेशन लिखना है अभी। फिर प्लस एफ डैश एक्स आपने ये निकाला 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4 और साथ में डी एक्स आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन टू। अब एक्स की वैल्यू है 16 लिखिए और अब 4 और एक्स की वैल्यू है 16, पावर है 3/4 और डी एक्स है 1 के बराबर। अब जनाब ये जो फोर्थ रूट है ना 16 की, तो 16 की फोर्थ रूट 2 होती है प्लस 1/4 मल्टीप्लाई, ये फिर 16 है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई ये 3/4, ये 4 4 से कैंसिल। अप्रॉक्सीमेशन टू 2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है और 8 4 32 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1/32, इसका आप एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर पे फाइंड करें, जैसे मर्जी जी चाहे कर लें, तो आंसर आएगा 0.0312। ये आंसर है जी इसका, यही हमने इसमें मालूम करना था। जी तो माय डियर,
अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट भी समझना होगा। आप कहीं नहीं जाएंगे वीडियो को स्किप करके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक वाला काम जो है ना वो मत भूलिएगा, और कमेंट भी कर दीजिए करिए कि जनाब हमें वीडियो अच्छी लग रही है, हमें समझ आ रही है, तो कम अज़ कम हौसला अफज़ाई हो जाती है। चलिए जी, हम इसे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहाँ हम x रेज टू पावर 1/5 लिखेंगे। फिर आप एफ डैश एक्स लीजिए, बिल्कुल सेम वही रूल होगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो 1/5 साथ मल्टीप्लाई x रेज टू पावर -4/5 हो जाएगा। आप इसे सिंपल कीजिए, एफ डैश एक्स 1/5 और x रेज टू पावर 4/5 हो जाएगा। अब आप लिखिए एज दी नियरेस्ट फिफ्थ रूट, करीब करीब जो फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ 31 इज 32। 31 के जो करीब करीब फिफ्थ रूट है वो 31 है, इसलिए जो आपका x है वो 32 है, और जो आपका dx है वो 31 माइनस 32 करेंगे, यानी जो वैल्यू आपके पास होती है उसमें से जो आपने वैल्यू बनाई होती है उसको निकालना होता है, तो -1 आया। अब आप फार्मूला लिखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और डी एक्स। बस अब आप इसमें वैल्यू लगा दें एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स था एक्स रेज टू पावर 1/5 और एफ ऑफ एक्स डैश आपने निकाला 1/5 एक्स रेज टू पावर 4/5 और साथ में डी एक्स। अब आप लिखिए एक्स कितना है आपका 32, 32 की पावर 1/5 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा जी, 1/5 32 रेज टू पावर 4/5 हो जाएगा और इंटू -1 होगा। अप्रोक्सीमेशन टू ये 32 जो फिफ्थ रूट है ना वो 2 होगी, प्लस 1/5 होगा। अब 32 की 2 रेज टू पावर 5 से कट गया तो कितना बचा, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 बच गया, और ये -1 है। चले अगले स्टेप में हम इस माइनस को यहाँ लाएंगे। अब हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन टू 2 माइनस 1/4 रेज 2 रेज टू पावर 4 16 5 80 होता है। अब आप इसे हल कर लीजिए। जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो ज़रा देखिएगा, इसकी वैल्यू मुझे ज़बानी याद नहीं थी, चलिए मैं निकाल देता हूँ आपको। हमने करना है 1/80, तो जनाब ये आया 0.012, ठीक है जी। तो 2 माइनस 0.0125 मिलेगा। आप लिखें जी 2 माइनस 0.012, तो हमें 1.98 कितना मिला, 75। लो जी ये है इसका क्यूट सा आंसर, साइन 61 डिग्री। अच्छे से समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन भी समझना होगा, आप इसे मिस मत कीजिएगा, ज़रा देखिएगा। हम इसे भी लेट कर लेंगे, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया जी साइन एक्स। हमें एफ डैश एक्स ले लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा जी कॉज एक्स। हम लिखेंगे एज दी नियरेस्ट टेबल वैल्यू ऑफ 61 डिग्री लिखना था, ये था 61 डिग्री इज 60 डिग्री। 61 डिग्री के करीब करीब जो टेबल वैल्यू है वो 60 की है, तो जो आपका x होगा ना वो 60 डिग्री होगा, और जो आपका dx होगा वो 61 माइनस 60 करेंगे तो dx की वैल्यू हमें 1 डिग्री मिलेगी, और 1 डिग्री को हमने अभी लिखा 0.01745 रेडियन लिखते हैं जी। अब लिखेंगे फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश
टी एक्स, कितने खूबसूरत सवाल। एफ ऑफ एक्स क्या है जी? साइन एक्स है, आप बस लिख दें। और ये है कॉज एक्स, वो भी लिख दें, साथ में डी एक्स लिख दें। अप्रोक्सीमेशन टू साइन एक्स कितना है? एक्स है 60 डिग्री, प्लस कॉज एक्स कितना है? 60 डिग्री, डी एक्स है 0.0175 के बराबर। अप्रोक्सीमेशन टू 0.8660 और प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई 0.07745। हमने अभी भी यही कुछ तो किया यहाँ पर, ये देखे सामने लिखा पड़ा है, तो 0.8660 और प्लस आपने कर देना है 0.00872 और इसे आप ऐड कर दीजिए तो 0.8747 आपका आंसर होगा। यही आपका क्यूट सा खूबसूरत सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करें जब उसकी साइड 5 to 5.02 पर चेंज हो जाए, यानी हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड है जी, एस बी द साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है। अब वो कहते हैं ये चेंज होता है 5 to 5.02, तो जो आपका एक्स होगा वो 5 हो जाएगा, जो आपका डी एक्स होगा वो 5.02 में से 5 निकालेंगे तो 0.02 होगा। आपने इस पे यूजिंग डिफरेंशियल लिखना है, यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यूज करते हुए जी, तो v का तो हो गया dv, 3x² और फर्दर dx हो जाएगा। आप लिखिए dv 3, x की वैल्यू है जी ये वाला 5 उसका स्क्वायर और dx की वैल्यू है 0.02। dv जो है वो आपके पास हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ये है बनेगा 1.5 क्यूबिक यूनिट, क्यूब यूनिट लिख दें या क्यूबिक यूनिट लिख दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लो जी, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।